हेलो फ्रेंड, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रिजल्ट में देर ना हो और अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या हम लोगों को फैसला लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे इस बात पर कि जो है रिजल्ट में देर जो है नहीं करना चाहिए आयोग को। अगर करती है फ्रेंड्स तो हम लोगों को जो है इसके लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा कि जो है रिजल्ट में देर अगर आयोग करती है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है आयोग ने आश्वासन दे दिया है स्टूडेंट को कि अगस्त तक पूरी हो जाएगी बहाली प्रक्रिया। तो इसका मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि अगर अगस्त तक पूरी होगी बहाली प्रक्रिया तो रिजल्ट जो है आपको 5 से 6 दिनों के अंतर्गत जो है टाइपिंग का शॉर्टलिस्टेड नजर आना चाहिए आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन अगर इसमें आयोग देरी करती है, अगर टाइपिंग शॉर्टलिस्ट जारी नहीं करती है, तब हम लोग को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए। और अगर अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आयोग ने जो आश्वासन दिया है उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो है रिजल्ट में अगर देर करती है आयोग तो हम लोग को फ्रेंड्स फिर से जो है एकजुट होकर और ट्यूटर कंपेनियन जो है फ्रेंड्स ये समय समय पर जो है करीब 6-7 दिन, 6-7 दिन के अंतराल में जो है ट्यूटर कंपेनियन करना ही पड़ेगा। अगर इससे भी आयोग नहीं मान रहा फ्रेंड्स तो एक बार और महाआंदोलन की जो है जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस प्रकार हम लोगों ने आंदोलन के लिए जो है आयोग पहुंचा, लेकिन जो है आयोग में कह सकते हैं उसको पहले से भनक थी इस बात को लेकर कि जो है बहुत भयानक होने वाला है, जिसके कारण से आपने देखे होंगे फ्रेंड्स कि वहां जो है सेना के जवान जो आ गए और सभी स्टूडेंट को जो है किस तरह वहां से भगाया गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आयोग बार बार करती है फ्रेंड्स, आयोग जो है अपनी गलती छिपाने के लिए जो है स्टूडेंट को वहां से बार बार भगा रहा है, स्टूडेंट अपना अधिकार कह सकते हैं कि जो है मांग नहीं सकता है, इस तरह जो है आयोग कर दिया अपना रवैया। और आयोग की ये काफी मनमानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कई जो है सालों से चल रही है, लेकिन अब ये है नहीं चलने देंगे हम लोग, क्योंकि अब फ्रेंड्स समय समय पर ट्यूटर कंपेनियन करना होगा। अगर अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो इसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने आश्वासन दे दिया, तो हम लोग को इसमें शांत और चुप नहीं बैठना है। हम लोग को क्या करना है, ठोस कदम उठाते रहना, कुछ ट्यूटर कंपेनियन जो है प्रत्येक 6-7 दिन के अंतर्गत करते रहना है, आयोग को जगाते रहना होगा फ्रेंड्स, तभी जो है ये पूरी कह सकते हैं कि है पूरी प्रक्रिया जो है बहाली प्रक्रिया जो है अगस्त तक कंप्लीट हो पाएगी। नहीं तो अगर हम लोग आप लोग शांत रह गए फ्रेंड्स तो जो है ये अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। केवल आयोग ने आश्वासन दिया है, आयोग ने 7 वर्षों से स्टूडेंट को आश्वासन ही दिया है, लेकिन उन्होंने एक चीज भी शर्तें पूरी नहीं की है। तो इस चीज को आपको समझना फ्रेंड्स कि जो है आज भी संडे फ्रेंड्स, और आज जो है 10 से 11 बजे के बीच जो है ट्यूटर कंपेनियन शुरू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज सभी स्टूडेंट जितना हो सके, अगर रिजल्ट में फ्रेंड्स आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ट्यूटर कंपेनियन हिस्सा लेना होगा। अगर अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी करनी है तो आपको इसमें जो है कह सकते हैं कि जो इस आंदोलन में कूदना पड़ेगा, तभी जो है अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी जो है एनर्जेटिक रहें फ्रेंड्स, ताजे रहें, और जो है मतलब आयोग को जो है समय समय पर जगाने का प्रयास करते रहें, तभी जो है आयोग भी जो है इसमें बहाली प्रक्रिया तेजी से करेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।